Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की जो आगामी आने वाली परीक्षा की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आपका पुनः एक बार स्वागत है। तो अब जैसा कि पता है कि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आज हम जो फिजिक्स का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, रोटेशनल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो रोटेशनल फिजिक्स से हर कोई एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रोटेशनल फिजिक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो रोटेशनल फिजिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो जो आज का जो रोटेशनल फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ठीक हो गया, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो सबसे पहले समझेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या है, और उससे रिलेटेड जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के, जिनकी प्रॉबिलिटी बहुत मैक्सिमम है, उनको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। हम कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। ठीक हो गया, तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम एक ही क्वेश्चन से क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, हमेशा याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट ही निकालेंगे। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हें एक्सिस नहीं कह रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। गेटिंग, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, देखो ठीक है एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के वर्टेसेस में क्या रखा है, एक आइडेंटिकल मास एम 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 रखा है। ठीक, और जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है ए है। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, देखो इसमें जो हमको एक्सिस दी है, ये इस आई वन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीन्स क्या हुआ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ देखा है, अगर मेरे पास कोई डिस्क्रीट बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैं क्या करूँगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर आर क्या है बोलो, वेयर आर इज मैंने लिखा भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। क्लियर हो चुका है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, नंबर टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, अगला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, इन सब फैक्टर्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, बट जनरली हम जो हम न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मास इनटू डिस्टेंस, ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखो, एक ये है मुझे, ये जो आई वन एक्सिस दी है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस पूरी सिस्टम का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है अगर कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा होगा, तो जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द मासेस अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। कहने का मतलब क्या हुआ, जो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही लाई करेंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। कहने का मतलब है जीरो क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो खत्म हो चुकी है। क्लियर हो चुका है, तो हमेशा याद रखना। तो देखो ये जो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये m है, इसको हम m और m देखो, ये जो दोनों m और m मास है, ये इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड है, इसी एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूँगा तो m इंटू आर स्क्वायर, तो ये मास का r कितना होगा बताओ, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर, अब देखो जो इसको मैं फर्स्ट मास बोल देता हूँ, इसको सेकेंड मास बोल देता हूँ। देखो जो सेकेंड मास है वो भी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर प्रेजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, m r का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस m जीरो का स्क्वायर। ठीक,
अब देखो ये जो तीसरा मास है इसको मैं थर्ड नंबर बोल दे रहा हूँ, तो अब देखो क्या होगा, मास इसका मास तो क्या है m, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो ये मास ऐसे मूव करेगा, ये मास ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो जब ये मास ऐसे मूव करेगा तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस मास की, कितनी हो जाएगी, बोलो a हो जाएगी, तो मैं m a स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब कौन पार्टिकल बचा मेरे पास, ये पार्टिकल बचा है, इसको मैं 4 नंबर नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये भी कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे मूव करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। तो इस पार्टिकल की ये जो फोर्थ पार्टिकल है जो फोर्थ कॉर्नर पर रखा हुआ है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन I1 से m तो m ही रहेगा, मास तो सब आइडेंटिकल है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस एक्सिस से इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये भी a है, तो मैं m a स्क्वायर लिख दूंगा, गेटिंग। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये तो जीरो हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या इससे हमको क्या समझ में आया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट I1 एक्सिस कितना आ गया, 2m स्क्वायर आ गया, क्लियर। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चन में क्या कर दिया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायगोनल, ये जो ये दे रखी है मुझे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दे रखी है मुझे I2 के अबाउट, मुझे क्या करना है इस सिस्टम का I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक्सिस क्या है इसकी, डायगोनल है। तो देखो मैंने क्या बताया है कि एक चीज़ ध्यान से सीख लो, अगर देखो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड होगा तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेनिस हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन में बैठे होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, देखो मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट कॉर्नर पर बैठा हुआ है। अब देखो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल होगा तो इसका मास तो कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, देखो ऐसे आगे की ओर मूव करेगा। तो यहां पर देखो कहीं ना कहीं मुझे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और तुमको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल ए रूट टू होता है, और तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ए रूट टू हो जाएगी अगर हाफ करोगे तो, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एम आर, आर क्या लिखूंगा मैं, ए बाई रूट टू का स्क्वायर लिखूंगा, क्लियर, इसका क्लियर हो गया। अब देखो जो सेकंड वाला पार्टिकल है, जो सेकंड वाला मास है, ये तो क्या है इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बैठा हुआ है ना, तो इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो एम आर जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब थर्ड वाला पार्टिकल देखो, थर्ड वाला पार्टिकल ये, अब ये देखो थर्ड वाला पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगी, ये भी क्या हो जाएगी, ए बाई रूट टू हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, ए बाई रूट टू हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, एम आर मतलब ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो अगला वाला जो फोर्थ पार्टिकल है, ये भी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा है, जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इसका आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो ये एम ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये एम ए स्क्वायर बाई टू ये जीरो हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से क्या आ जाएगा, जो I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, देखो जो मुझे एक्सिस दी है वो आई थ्री एक्सिस दी है। पहले तो तुम ये समझ लो कि ये आई थ्री का मतलब क्या है, ठीक है। जो ये आई थ्री हमको एक्सिस दी है वो क्या है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू, विद द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू, ये कहाँ से पास कर रही हो, m, ये जो थ्री में रखा हुआ है m यहाँ से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। ये आई थ्री का मतलब क्या है, आई थ्री का मतलब क्या है बोलो, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू m, पासिंग थ्रू m एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर,
ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये एक्सिस के बारे में समझ लेना चाहिए कि ये क्रॉस एक्सिस मुझे क्या बता रहा है। ये एक्सिस ऐसे है, देखो ये एक्सिस ऐसे अंदर को जा रही है, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये एक्सिस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इस जो थर्ड कॉर्नर पर रखी है, यहाँ से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्सिस की फीलिंग आ गई कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पासिंग थ्रू थर्ड कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, ऐसे अंदर की ओर जा रही है, ऐसे अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, वही मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ढूंढूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इस फर्स्ट वाले मास की बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट वाले मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बता दो। अगर तुम फर्स्ट वाले मास से, ये इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये आई थ्री, ये वाली एक्सिस आई थ्री है। तो सबसे पहले देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डायगोनल हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगी। फर्स्ट वाले मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस ए रूट टू हो जाएगी, तो मैंने एम आर स्क्वायर ए रूट टू का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो दूसरा वाला मास जो दूसरे कॉर्नर पर सिचुएटेड है, ये जो मास होगा होगा वो कैसे रोटेट कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो इसके लिए इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी सेकेंड मास के लिए, ए होगी, ठीक है। तो मैं एम ए स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो जो थर्ड वाला मास है, जो थर्ड कॉर्नर पर सिचुएटेड है, ये तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब पास करेगा तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो एम जीरो का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब देखो ये जो फोर्थ कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ये तो मास तो एम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी, तो एम ए स्क्वायर लिख देंगे आप, ठीक। तो जब ये 2m² ये m स्क्वायर इसका जीरो हो जाएगा। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड कॉर्नर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कितना आ जाएगा, 4m² आ जाएगा। क्लियर है ना। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इसी में क्वेश्चन क्या कहेगा कि एक स्क्वायर है, उसके हमने फोर कॉर्नर्स में फोर आइडेंटिकल मास रखे हुए हैं, तो कहेगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट i4, ठीक है। सपोज दैट ये वन मास हो गया, इसको सेकंड पोजीशन दे दे रहे हैं, इसको थर्ड पोजीशन दे दे रहे हैं, इसको फोर्थ पोजीशन दे रहे हैं। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस i4 से निकालना है। सबसे पहले तुम i4 का मतलब समझ जाओ क्या होता है, कि i4 का मीनिंग क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर, पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो ये i4 की फीलिंग आनी चाहिए कि i4 है क्या, i4 ऐसे पास कर रहा है, देखो ऐसे i4 ऐसे पास कर रहा है, ये कहाँ से पास कर रहा है, इस स्क्वायर के सेंटर के से पास कर रहा है और इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मुझे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे सिस्टम का अबाउट i4। तो मुझे क्या चाहिए होगी, मास तो ठीक है सब आइडेंटिकल है, और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये m1 वाले की जो फर्स्ट कॉर्नर पर सिचुएटेड है, ये ay√2 हो जाएगी, और इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी ay√2 हो जाएगी, और इस वाले पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी ay√2 हो जाएगी, और ये जो पार्टिकल फोर्थ कॉर्नर में है इसकी भी डिस्टेंस है ay√2 हो जाएगी। क्योंकि देखो ये जो चार के चार मास है आइडेंटिकल है, और इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर्स वो भी इक्वल है, तो तुम सीधे 4 × 1 भी कर सकते हो सीधे, या अलग अलग भी लिख सकते हो, या सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही आएगा एम आर स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो स्क्वायर हो तो सेम है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4ma² / 2 आ जाएगा, और जब सॉल्व करोगे तो 2ma² आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है i4 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा अबाउट i4, 2ma² आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कोशिश से ऐसे समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो बी है, ठीक है, एक स्क्वायर है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर की साइड क्या है, बी है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर एक सॉलिड स्फीयर रख दिया है, ये भी एक सॉलिड स्फीयर, ये भी एक सॉलिड स्फीयर, ये भी एक सॉलिड स्फीयर और ये भी एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और जो सॉलिड स्फीयर की रेडियस हो स्मॉल a है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस अरेंजमेंट अबाउट i1, मुझे इस i एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स में मैंने चार सॉलिड स्फीयर रखे हुए हैं जिनकी रेडियस ए है, तो मुझे इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद भी होना चाहिए, मुझे क्या पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए मुझे। देखो ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर जब होगा तो देखो मुझे ये पता चल जाएगा। ठीक है ना, मुझे क्या पता है बताओ, मुझे पता क्या है, मुझे पता है क्या कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके डायमीटर से पास होता है वो कितना पास होता है बताओ, 2/mr² होता है। पहली बात तो ये चीज़ है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर वो कितना होता है, 2/5 mr², ये मुझे जानता, ये मुझे पता है। सिमिलरली देखो ये भी क्या है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे क्या है पता है, ये क्या, ये भी कितना होगा बताओ, 2/5, ये भी 2/5 mr² होगा। यही तो मेरे से पूछा है। जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो क्यों नहीं लिखेंगे बताओ, क्योंकि ये इसकी डायमीटर है, क्योंकि ये कंटिन्यूस बात की कर रहा है, ये कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है, ये क्या है, ये सी सॉलिड स्फीयर की क्या है, डायमीटर है। और व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द डायमीटर तो वो कितना होता है, 2/5 mr² होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इन दोनों का तो ये पता हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं ये जो थर्ड कॉर्नर पर रखा हुआ है ये, इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करूंगा जो थर्ड कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक पैरेलल थ्योरम अप्लाई करूंगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करूंगा। कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। तो ध्यान से देखो मुझे क्या पता है, देखो मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं, देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई। तो देखो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, मैं क्या जानता हूँ बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जानता हूँ 2/5 mr². ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा मैं, एम इंटू डी स्क्वायर, एम तो इसका मास कितना है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर, और मुझे क्या पता है बताओ, मैं ये भी जानता हूं, ये मुझे पता है, ये क्या है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ, ये कितना होता है, mr स्क्वायर, ठीक है, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास तो इसका m हो जाएगा, मास इसका m हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करनी है कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हें पता क्या है और निकालना है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये अबाउट इन दोनों का तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/5 mr², 2/5 mr², और देखो थर्ड वाले का कैसे लिखूंगा, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका भी मैं पहला थ्योरम अप्लाई करूंगा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो जनरल फार्मूला है, इसको बार बार लिखेंगे तभी तुमको आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, देखो 2/5 m, इसकी रेडियस कितनी है, a है। ठीक है, तो इसका भी इतना हो जाएगा और दूसरे वाले का भी 2/5 ma² हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले के लिए क्या लिखोगे, सेंटर से पास, मतलब ये डायमीटर बन चुका है, इसका कितना होता है, 2/5 mr² होता है, प्लस mr² m की जगह m लिखोगे, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब इसके लिए आओ, इसके लिए क्या होगा, ICM क्या होगा, 2/5 mr² प्लस मास m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, b हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस स्टेप को बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्लियरिटी आएगी। तो देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 8/5 ma² आ जाएगा प्लस 2 mb² आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से 2/5 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 4a² प्लस 5b² आ जाएगा, और यही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, कहने का मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं वो समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या समझा देता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये थ्री आइडेंटिकल स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल मतलब हॉलो है, ठीक है, थ्री आइडेंटिकल हॉलो स्पेरिकल सेल है, इनको देखो इस तरीके से अरेंज किया है, ठीक है, किस तरीके से अरेंज किया, देखो ये इस तरीके से सब आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट वाला स्फीयर है उसके लिए जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है बताओ, इसकी डायमीटर से पास कर रही है, ठीक है, फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए ये मुझे पता है, देखो ये मुझे बिल्कुल पता है, ये मुझे याद है, ये मुझे क्या है बताओ कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, ये मुझे पता है, ये कितना होता है बताओ, ये 2/3 mr² होता है, ठीक है, ये तुम भी याद रखो तो बेहतर है, 2/3 mr² होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो ये एक्सिस जो पास कर रही है फर्स्ट स्फेरिकल सेल के लिए इसकी डायमीटर बन गई, और डायमीटर के अबाउट मुझे स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, वो कितना होता है, 2/3 mr² होता है। देखो फर्स्ट वाले स्फेयर का तो मैंने सीधे लिख दिया 2/3 mr², क्लियर हो चुका है। अब ध्यान से देखो जो सेकेंड और थर्ड स्फेरिकल सेल है उनके लिए जो तुम्हारे पास ये एक्सिस है ये इनको टच कर रही है, ठीक है, टच कर रही है, तो तुमको अब देखो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए तुमको पता क्या है, ये ध्यान रखो, सबसे पहले मैं ये जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ बताओ, मैं ये जानता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये क्या है, मुझको ये पता है, देखो मुझे क्या पता है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल, ये मैं जानता था हूँ, कितना ये कितना हो जाएगा बताओ, 2/3 mr² हो जाएगा, ICM + MD² होता है, तो ICM क्या हो जाएगा, 2/3 mr² प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ देख के डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको क्वेश्चन में दी है, रेडियस है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ क्या करूँगा, सेकंड स्फीयर के लिए इसमें मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड स्फीयर में आओ, अब थर्ड स्फीयर में मुझे ये पता है, देखो ये मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है, 2/3 mr² होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, ये 2/3 mr² होता है। तो अब देखो ये दोनों एक्सिस फिर से पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, तो मैं फिर से इसमें क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस लगा दूंगा कि द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच तुमने इस क्वेश्चन के लिए करना चाहिए, तुम्हें पता क्या है और निकालने क्या है, ये दो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, क्लियर। तो अब मैं सबकी वैल्यू रखना शुरू करता हूँ, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा 2/3 mr², और सेकेंड वाले स्फीयर के लिए देखो मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है, देखो ये 2/3 mr² पता है, इंटू मास कितना है इसका m, मास कितना है इन सब का, मास m है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखूंगा, mr² लिखूंगा, क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले स्फेरिकल सेल के लिए देखो ICM क्या आ जाएगा, ICM मतलब डायमीटर बन जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 2/3 mr² प्लस मास m है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है, r है, तो मैं mr² लिख दूंगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 6/3 mr² प्लस 2 mr², तो जब तुम सॉल्व करोगे तो 4 mr² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास शुरू है ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हमको एक स्क्वायर लेमिना दिया है, लेमिना मतलब थिन बहुत ही पतली सीट दी है, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कह रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 दे रखा है। तो देखो हमेशा याद रखना होती क्या है, एक सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले एक यहाँ पर एक ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है, ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक हो गया, और सपोज दैट ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक, और जो रिजिड बॉडी है जो ये इसके अबाउट मूव कर रही है, ये रिजिड बॉडी जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, देखो एक पार्टिकल ये मैंने पी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, P में पहुँचने के लिए मुझे X से इतनी डिस्टेंस से ट्रैवल करनी पड़ेगी, Y से इतनी डिस्टेंस से ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X, Y हो जाएंगे, क्लियर हो चुका है, आ चुका है इतना।
तो अब देखो यहाँ पर मैं एक थ्योरम यूज करता हूँ, क्या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, देखो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जो मोमेंट ऑफ द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, देखो पार्टिकल जिस प्लेन में होगा, पार्टिकल जिस प्लेन में होगा, देखो पार्टिकल अभी एक्सिस जेड प्लेन में है, तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम, मैंने क्या बोला, देखो पार्टिकल कौन से एक्सिस में है, एक्सिस जेड एक्सिस में है, तो इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस होगी वो इसका सम होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट आई एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ वाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये क्या है बताओ, ये है, ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। ये क्या बोलती है, देखो ये ओनली 2D टू डायमेंशनल के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो तुम्हारे पास पार्टिकल जिस प्लेन में है उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम हमेशा तीसरे के इक्वल होगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। गेटिंग, पार्टिकल जिस प्लेन में है उन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम ऑलवेज इक्वल टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, दैट मीन्स आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू आई वाई, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। अब मैं इसी थ्योरम को क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसी थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं। देखो सपोज दैट मैंने क्या कहा कि I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, कि जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ, ठीक है, I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द स्क्वायर लेमिना विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर लेमिना एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक हो गया। तो इसका मतलब तुम्हें सबसे पहले देखना है कि प्लेन में कौन कौन है, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि I इक्वल टू क्या होगा, I क्या है बताओ, जो परपेंडिकुलर है, I क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि इस स्क्वायर के सेंटर से पास कर रहा है और इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर है, उसको मैं I बोल रहा हूँ, दैट मीन्स आई वाई की बात हुई यहाँ। तो आई वाई इक्वल टू क्या होगा बताओ, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया AC से पास कर रहा होगा प्लस जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया BD से पास कर रहा होगा, क्योंकि देखो जो I है वो तो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा, जो इसके प्लेन में लाई कर रहे हैं, और इसके प्लेन में लाई कौन कर रहा है, AC और BD, क्लियर हो चुका है। तो मैं क्या इस थ्योरम को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल टू आई AC प्लस BD लिख सकता हूँ, ये तो हमने यूज़ कर लिया। अब देखो फ्रॉम फिगर से मैं क्या देख रहा हूँ कि जो AC और BD है ये स्क्वायर की डायगोनल होती है और ये दोनों इक्वल होती है, क्लियर। तो मैं अब आई AC को आई BD लिख देता हूँ फ्रॉम सिमेट्री से, तो यहाँ से आई AC क्या आ जाएगा, आई बाई टू आ जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया। अब मैं फिर से परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर से देखो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर लेमिना एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर लेमिना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि प्लेन में कौन कौन है, उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का सम परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो सबसे देखो सबसे पहले तो I इक्वल टू लिखूंगा, I क्या है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इक्वल टू क्या होगा, जो इस प्लेन में है, प्लेन में कौन कौन है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पासिंग थ्रू IGH प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया पासिंग थ्रू EF, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो फ्रॉम सिमेट्री से IGH और IEF भी क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से IEF की वैल्यू फिर से I बाई टू आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ इक्वेशन वन और टू से मैं क्या कह पा रहा हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट AC होगा ये मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट EF। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो IAC इक्वल टू IEF है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थ्री रॉड्स हैं, ये थ्री रॉड हैं, ये इस तरीके से अरेंज हैं, ये वह फर्स्ट रॉड हो गई है, ठीक, और ये सेकंड रॉड है, ठीक है, ये थ्री रॉड्स हैं, इस तरीके से अरेंज हैं, क्लियर। तो ये थ्री रॉड्स हैं, इस तरीके से अरेंज हैं, और यहाँ पर क्या है इनका सेंटर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, और ये रॉड की क्या है लेंथ कितनी है, एल है, मास एम है, ठीक है। तो मेरे से क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताओ इस सिस्टम का अबाउट जेड एक्सिस, मुझे ये निकालना है, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना हमको क्या पता है। देखो हमको हम क्या जानते हैं, देखो सबसे पहले तो यही देखना है कि हम क्या जानते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं, देखो अगर एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, अगर एक रॉड है इसकी लेंथ एल होती है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर एल है तो अगर देखो एक्सिस जो हमारे पास है अगर इसके वन साइड्स वन एंड से पास हो रही है तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री पता होता है देखो, ठीक है। तो मैं वही चीज़ यहाँ लगाऊंगा, देखो अगर मैं फर्स्ट वाली रॉड के लिए देखूंगा तो इसका देखो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, वन एंड से पास हो रही है ना, वन एंड से पास हो रही है, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय थ्री रख दूंगा। अगर देखो मैं अगर इस सेकेंड वाली रॉड को देखूंगा तो इसका भी देखो ये वन एंड वाला हो जाएगा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय थ्री हो जाएगा। गेटिंग? पर ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखो, ये जो आई थ्री, देखो आई थ्री कितना होगा, क्या आई थ्री भी एम एल स्क्वायर बाय थ्री ही होगा या नहीं होगा, बताओ क्या आई थ्री भी एम एल स्क्वायर बाय थ्री ही होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं पहले भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि देखो जो रॉड की एक्सिस है वही क्या है, उसी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, समझ पा रहे हो। तो रॉड की एक्सिस भी वही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझे उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसलिए जो थर्ड रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर खत्म हो जाएगी, आर जीरो हो जाएगी, क्योंकि जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अबाउट ही मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। आर जीरो होने से क्या हो जाएगा, वो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस भी उसी एक्सिस से पास कर रही है, रॉड की एक्सिस से ही पास कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म जीरो होने की वजह से आई थ्री रॉड की वजह से मुझे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या जानता हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, वो कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री होता है, तो आई टू भी एम एल स्क्वायर बाय थ्री मिलेगा, और आई थ्री क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा, बिकॉज एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रॉड इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी के अबाउट एक्सिस क्या हो रही है, रॉड भी पास कर रही है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम एल स्क्वायर बाय थ्री कितना आ जाएगा, टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि इन क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, ठीक है, परपेंडिकुलर थ्योरम सीखी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अप्लाई कैसे करते हैं सबसे अच्छी बात ये सीखा हमने, ठीक हो गया। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपके लिए, जो ये जो सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें आज जो अपने रोटेशनल मैकेनिक्स में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को कवर करा, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक हो गया। तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और इससे रिलेटेड कोई सा भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक हो गया। तो आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करा, तो आज का जो ये और ये जो सीरीज चल रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास इसको पहुँचाएँ, जिससे क्या होगा उसका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।